हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन न्यूज़ पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ऑनलाइन की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसका आप स्कोर कार्ड मतलब आंसर की आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। साथ ही फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन जरूर कर लें क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अपडेट नर्सिंग से जुड़ी MPCHO MP स्टाफ नर्स जो भी अपडेट होती है उसके बारे में हम बात करते रहते हैं और उस पर न्यूज़ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लें, चैनल पर पहली बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पे एमपी ऑनलाइन लिमिटेड की तरफ से अपडेट निकाली गई है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। इसमें फ्रेंड्स, आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ था जो स्टाफ नर्स का, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर और दतिया मेडिकल कॉलेज और छिंदवाड़ा मेडिकल, ये सभी इनका जो एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसकी फ्रेंड्स आंसर की अपलोड कर दी गई है। तो आप जल्दी से अपना आंसर की देख के ग्रीवेंस लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन अगर आपको है आपको तो आप लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। जो ये सेवाएँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं न्यू विंडो ओपन होती है। ये देखिए, स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट अंडर मेडिकल कॉलेज दतिया, देख सकते हैं यह ग्रीवेंस है। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करते हैं तो न्यू विंडो ओपन होती है। इसमें अपने एप्लीकेशन नंबर डालना है और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ इसी सेक्शन में डाल के पोस्ट स्टाफ नर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर पॉइंट लग जाएगा और फिर ये कैप्चर कोड है एंटर करना है और व्यू, यहाँ पर आप अपने आंसर की व्यू करके, अगर आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए। कितना स्कोर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।